सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मनमेश्वर घाटी के खूबसूरत से गांव गैड गांव से। दिन के करीब अभी 12 बज रहे हैं और एक खूबसूरत से दिन के साथ एक खूबसूरत से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज साल का 10वां दिन है, यानी कि आज 10 जनवरी है। तो हम मेरे मायके वाले गांव में नए साल पर एक उत्सव मनाया जाता है, उसको हमारे गढ़वाली में हमारे गांव में छाबड़ी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग अभी गांव में ऊपर जा रहे हैं जहां पे आज छाबड़ी का उत्सव हो रहा है। और अभी मेरे साथ है काव्या, हो गई नैनो और अवनी जो कि अभी घर से आ रही है। बाकी माँ और सपना जो है सुबह ही ऊपर मंदिर में चले गए थे जहाँ पर छाबड़ी का त्यौहार होता है। तो इस त्यौहार में गांव की जितनी भी बेटियां होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है तो सभी इस त्यौहार के लिए अपने मायके आते हैं यहां गांव में। तो अभी यहां सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है गैड गांव, प्रॉपर गांव ये है इस साइड। और यहां इस साइड जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है इसको हमारी गढ़वाली में इसको पैया का पेड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे देवी माँ जो कि गाँव की कुलदेवी हैं तो उनका मंदिर है, तो इन्हीं के यहाँ पे पूजा होती है। दादा बहन ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। तो चलिए जी, अभी मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे छाबड़ी का त्योहार हो रहा है। और इनमें ऐसा होता है कि गांव की जितनी भी देवरानी जेठानी होती है, जितनी फैमिली के लोग होते हैं, सब लोग एक जगह पे इस तरह से खाना बनाते हैं और इसमें कई सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे पूरी पकौड़ी हो गया, खीर हो गया, तो घर की सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे भी भाभी जी हो गया, माँ और सारे फैमिली के लोग लगे हुए हैं तरह तरह के व्यंजन बनाने में। और ये मेरे हाथ में है पूरी पकौड़ियाँ जो कि यहाँ की इष्ट जो देवी होती हैं उनके लिए इस तरह से हर चूल्हे से इस तरह से भोग के लिए ऊपर मंदिर में ले जाना होता है। तो चलिए जी, अभी मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे गांव की कुलदेवी माता कालगा का मंदिर है। तो यहीं पे छाबड़ी का जो त्यौहार होता है वो किया जाता है। बाकी खेतों में इस तरह से सभी लोग, जितने भी गांव के लोग होते हैं, जितने भी परिवार के लोग होते हैं, सब साथ मिलके खाना बनाते हैं। और आज के खाने में जो है तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, जैसे पूरी पकौड़ी हो गई, खीर हो गया और घर के जितने भी पहाड़ी व्यंजन होते हैं वो बनते हैं। तो चलिए जी, अभी माँ और ताई जी ने भी दोनों ने पूरी पकौड़ियाँ बना ली है। बाकी लंच में जो दाल चावल होता है तो वो अभी बन रहा है। तो माँ ने यहाँ पे सब्जी बना रखी है और जो ताई जी हैं, तो ताई जी को हम लोग मम्मी ही बोलते हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे जो है दाल बना दी है। तो जितने भी परिवार हैं ना, इस तरह से साथ में खाना बनता है। तो चलिए अभी आप लोगों को ऊपर मंदिर की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं यहाँ ऊपर मंदिर में आ गई हूँ और टीका वगैरह भी लगवा दिया है। बाकी छाबड़ी का जो त्योहार होता है इसे आप लोग एक प्रकार का मेला भी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी बहनें मिल रहे हैं, काफी सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी काफी सारी महिलाएं यहाँ पे आसपास के गांव से आई हुई हैं, तो यहाँ पे जो है पयरी अभी लग रही है जो कि स्पेशल जो पारंपरिक गीत होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को पारंपरिक पयरी गीत सुनाते हैं। माता
चलिए जी, एक तरफ मंदिर में कीर्तन भजन हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे गांव की महिलाएं सब अपने अपने चूल्हे पे लगे हुए हैं पहाड़ी पकवान बनाने में। और अभी मैं आई हूँ यहाँ मंदिर के ऊपर के साइड के खेतों में और यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं तो यहाँ पे मैं उनसे मिलने के लिए आई हुई हूँ। तो बाकी कुछ लोगों ने अपना सारा खाना बना के तैयार कर लिया है और कुछ लोग जो है अभी खाना बनाने में लगे हुए हैं। हेलो हेलो, तो ये है मेरी क्लासमेट जो कि हम लोग बचपन से ही साथ रहा करते थे, तो काफ़ी टाइम बाद आज इससे भी मिलना हो रहा है। और इसके अलावा जो है और भी कई सारे क्लासमेट हैं जो कि आज छाबड़ी के दिन हमें मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी मिलती है जब कई साल बाद जो है ऐसे मायके के किसी त्यौहार में आते हैं और सब लोग मिलते हैं, तो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मायके वाले सभी परिवार वालों से मैं मिल चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी से मिलके और साथ में गांव के लोगों से भी मिलना हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है ऐसे मौके पे जब भी मायके आती हूँ। तो मैं अभी शादी के बाद दूसरी बार, जबकि मेरे शादी को अभी 7 साल कम्प्लीट हो गए हैं, तो शादी के बाद मैं आज दूसरी बार इस छाबड़ी त्यौहार में आ रही हूँ। तो चलिए, सभी लोगों से मिलना हो रहा है, अभी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मिलना बाकी है, तो अभी नीचे चलते हैं जहाँ पे माँ लोगों के चूल्हे लगे हुए हैं जहाँ पे उनका खाना बन रहा है और देखते हैं कि अभी आज के छाबड़ी त्यौहार में माँ के घर में मतलब माँ के वहाँ पे कौन कौन आए हैं। आज के छाबड़ी त्यौहार में गांव की जितनी भी शादीशुदा बेटियां होती हैं सभी अपने मायके आती हैं और सभी बेटियों को ना धियाण बोलते हैं, तो सभी धियाण यहां पे इस छाबड़ी के त्यौहार में आती हैं। और गांव की जो इष्ट देवी होती हैं माता कालगा, यहां पे जिनका मंदिर है, तो सभी लोगों को माता कालगा नर रूप में प्रकट होकर सभी को दर्शन देती है और साथ में जो है सभी को दर्शन दे के सभी लोग दर्शन पा के धन्य हो जाते हैं। तो चलिए, अभी नीचे खेतों में जहाँ पे सभी लोगों का खाना बन रहा है माँ लोगों का, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन नए नए मेहमान आए हैं। काफ़ी सारे लोगों से मिलना हो चुका है, गांव के लोगों से और स्कूल के जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं सभी से मिलना हो गया है, तो देखते हैं अभी कितने और नए लोग मिलते हैं। और अभी आज का मेरा जो कैमरा मैन बना हुआ है वो है सपना, तो किसी किसी टाइम पर इसको थोड़ा सा किचन का काम हो रहा है जो नीचे खाना बन रहा है, तो वो मेरे पास नहीं रह रही है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में जो है काव्या, नैनो और अवनी भी हैं, तो काव्या और नैनो दोनों ऐसे घूम घूम कर मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो सही से नहीं बना पा रही हूँ। तो जिस टाइम सपना हो रही है मतलब साथ में रह रही है तो वीडियो अच्छी बन रही है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से गाँव के लोग जो है लाइन से यहाँ किनारे किनारे लाइन से चूल्हे लगा कर खाना बनाते हैं। चलिए जी, अभी दिन के करीब 2 बज गए हैं और सभी लोगों का खाना बनके तैयार हो गया है और इस तरीके से गांव के जो बुजुर्ग होते हैं जिन पे माता कालगा नर रूप में अवतरित होती है, तो वो इस तरीके से सभी जितने भी चूल्हे होते हैं जहाँ पे खाना बना हुआ होता है तो उनको तर्पण देते हैं और उसके बाद ही सभी गाँव के लोगों का लंच होता है। और गाँव की जो कुल देवी है उनके लिए जो पूरी और पकौड़ियाँ होती है वो पहले ही बनाते टाइम ही पहले ही भोग लगाने के लिए दिया जाता है। तो चलिए जी, अभी मौसी भी आ गई हैं और साथ में कई सारे मेहमान इस एक ही खेत में बैठे हुए हैं, सब लोग लंच करने का इंतज़ार कर रहे हैं और मौसी यहाँ पे फ़ोन में बिजी हो रखी हैं। तो मौसी आज ही आई है और हमारे जितने भी मेहमान हैं वो इस बार बहुत कम मेहमान आए हुए हैं और इस साइड जो है दीदी लोग बैठे हुए हैं और साथ में कई सारे लोग बैठे हुए हैं।
के हम ना पापा का चला फल और नहीं खाना बुझे तो चलिए जी, माने यहाँ पे टेस्टी सा लंच भी परोस दिया है और अब टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। और आज के लंच में घर के कुटे हुए चावल का भात हो गया, दाल हो गई और साथ में राई की सब्जी है। तो चलिए टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, खाना वगैरह भी हम लोगों का हो गया है, बाकी अभी बाबा जी की तैयारी भी हो गई है घर जाने की। यहाँ से बाबा जी को जो है सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पीछे एक गांव है गडगू गांव, तो बाबा को वहाँ जाना है। तो आयांश भी आई थी, बाय है परसों आज है बाबा, और बाबा जी की दोस्त जो है घर जाने के लिए जो है हमारी दीदी है, तो दोनों कल भी साथ में आए थे और आज भी साथ में ही घर को वापस जाएंगे। ताई प्रणाम। तो चलिए जी, लगभग सभी लोगों का खाना हो गया है और धीरे धीरे करके सभी लोग जो है ऊपर के खेतों में भी लंच करने के बाद सभी अपने घर के सामान को समेट रहे हैं और सब लोग घर की ओर निकल पड़े हैं। तो चलिए जी, अभी शाम के करीब 3:30 हो गए हैं और हम लोग भी ऊपर गांव से नीचे घर को आ गए हैं। बाकी माँ भी सारा सामान लेके नीचे घर को पहुँच चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे गांव में छाबड़ी का त्यौहार होता है और हमारे पहाड़ों के जितने भी त्यौहार होते हैं सभी त्यौहार किसी न किसी धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी माँ भी ऊपर से घर को आ गई है और वहाँ पे जितने भी पूरी पकौड़ियाँ बनी हुई होती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नज़दीक के खास रिश्तेदार रहते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए माँ इस तरह से कलेवा रख रही है सबके लिए अलग अलग करके पन्नियों में। सारे गांव के लोगों का कुछ इस तरीके से एक साथ मिल के आउटडोर कुकिंग करना शायद ही आप लोगों ने कहीं पहले देखा होगा। तो चलिए, कुछ इस तरीके से आज का छाबड़ी त्यौहार का समापन भी हो चुका है और अभी शाम भी हो गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। उम्मीद और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।